गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री। आई एम योर कंप्यूटर टीचर सोनजीत सर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर वन, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, चैप्टर नंबर वन, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर यू कैन सी द सिलेबस ऑफ थर्ड टर्म एग्जामिनेशन। इन माई प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द थर्ड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस। सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट प्लीज रीड ईच एंड एवरी चैप्टर वेरी केयरफुली। ओके, फॉर थर्ड टर्म एग्जामिनेशन। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक। हेयर इज द कॉन्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर वन, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज हार्डवेयर, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड लास्ट इज इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल थ्री कॉन्टेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक। So first is, what is computer system? The computer has many parts. Okay, all the parts of a computer work together to do a certain task. That means जो computer होता है वो क्या होता है, बहुत सारा different types of parts को attach करके computer किया जाता है। okay, और जो और जितना भी सारा parts है जब सब एक साथ काम करेगा तो ही एक कोई भी एक task वो complete हो पाएगा। okay, they are collectively called the computer system. हेयर यू कैन सी कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो टाइप का होता है, हार्डवेयर होता है एक पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ओके, हार्डवेयर में कौन सा चीज़ आता है, इनपुट आता है, इनपुट डिवाइसेज आता है, स्टोरेज डिवाइसेज आता है, आउटपुट डिवाइसेज आता है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क होता है, जो कि मेन जो मेमोरी होता है कंप्यूटर का वो होता है। ओके, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड मेमोरी कार्ड। एंड आउटपुट डिवाइसेज आर मोनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ओके, नेक्स्ट इज द पार्ट सॉफ्टवेयर। सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट इज आईपीओ साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, आईपीओ साइकिल, आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, सो फर्स्ट इज इनपुट। सो व्हेन वी गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जब भी हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। कुछ भी हम अगर हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए तो हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। नेक्स्ट ओ, ओ स्टैंड्स फॉर सॉरी पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस। ओके, दी हैपन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ व्हाट ए कंप्यूटर डज द टू द इनपुट और द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। हम लोग जो इंस्ट्रक्शन हम लोग जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसको क्या करता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। ओके, उस प्रोसेस को ही हम लोग प्रोसेस बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेप इज ओ, ओ मीन्स आउटपुट। आफ्टर प्रोवाइडिंग द इनपुट एंड प्रोसेसिंग द डेटा, द आउटपुट इज द रिजल्ट दैट वी गेट। दैट मीन्स जो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इनपुट दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया, उसके बाद कंप्यूटर ने क्या किया, उसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को कुछ ना कुछ रिजल्ट तो चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे आउटपुट। ओके, जो कि प्रोसेसिंग के बाद ही होता है। हम लोग पहले इनपुट देंगे, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद क्या होगा कि जो कंप्यूटर है वो एक रिजल्ट भी हम लोगों को प्रोवाइड करेगा, उसी को हम लोग आउटपुट बोलेंगे। ओके, सो इनपुट, इनपुट इज मेनली गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड प्रोसेस इज व्हाट ए कंप्यूटर डज टू द इनपुट और द इंस्ट्रक्शन एंड आउटपुट इज टू प्रोवाइडिंग ए रिजल्ट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। ओके, नेक्स्ट इज मेन पार्ट हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट ए पर्सन कैन टच एंड फील। ओके, दैट मीन्स हम लोग जो कंप्यूटर को हम लोग टच भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हो गया कीबोर्ड, माउस, मोनिटर, सीपीयू, ऑल आर हार्डवेयर डिवाइस। ओके, हियर यू कैन सी द इमेजेस ऑल्सो, मोनिटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, कीबोर्ड। ओके, सो ये सब कुछ ही एक हार्डवेयर है। ओके, मोर ऑन हार्डवेयर, फर्स्ट इज माइक्रोफोन। इट इज़ द टाइप ऑफ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द पीपल थ्रू ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कनेक्शन। जब भी हम लोग कंप्यूटर में बैठ के कोई भी कॉल करेंगे भाया इंटरनेट या वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी के साथ इंटरनेट करने के लिए, तब हम लोगों को जो साउंड चाहिए,
हम लोग जो बोलेंगे वो भी तो दूसरे को सुनना होगा, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो माइक्रोफोन है उसको हम लोगों को कंप्यूटर में अटैच करना पड़ता है। ओके, इसको ये भी है क्या होता है कि एक हार्डवेयर है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑटो बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली माइक दिया हुआ है, ताकि जो हम लोग बोल रहे हैं वो दूसरी तरफ का जो है वो सुन पाए। ओके, उसी तरह से ये चीज़ भी है माइक्रोफोन। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू कम्युनिकेट पीपल थ्रू ए कनेक्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कनेक्शन। इट कैन ऑल्सो भी यूज टू रिकॉर्ड ए पर्सन वॉइस और डिफरेंट साउंड इन अ कंप्यूटर। दैट मीन्स हम लोग को जब भी कोई भी हम लोग जैसे कि मैं अभी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास भी माइक्रोफोन है। ओके, इससे ही मैं आप लोगों को जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ उसका जो साउंड है वो माइक्रोफोन से जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज वेब कैमरा। इट इज़ अ वीडियो कैमरा ऑल्सो कॉल्ड वेब कैम। ओके, इट इज़ कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर एंड डिस्प्ले द पिक्चर्स और वीडियोज ऑन द मोनिटर। इट कैन ऑल्सो भी यूज टू मेक वीडियो कॉल्स टू पीपल एट डिस्टेंस प्लेस। दैट मीन जब भी हम लोग वीडियो कॉल करेंगे कंप्यूटर से तो हम लोगों को क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, जैसे कि फ़ोन में होता है उसी टाइप का एक कैमरा कंप्यूटर में भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वेब कैम बोलेंगे। वेब कैम के ज़रिए हम लोग कहीं पे भी बैठे हुए किसी किसी के साथ भी हम लोग वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ प्लॉटर। प्लॉटर इज़ अ टाइप ऑफ ए प्रिंटर दैट इज़ यूज टू प्रिंट ऑन वेरी लार्ज साइज पेपर। दैट मीन्स जो हम लोग बाहर जाके हम लोग जो बैनर देखेंगे, जो ह्यूज ह्यूज बैनर होता है वो सब क्या होता है कि प्लॉटर से क्रिएट होता है। जैसे कि छोटा छोटा प्रिंट जो होता है प्रिंटर से होता है, जो ह्यूज साइज ऑफ बैनर्स होता है वो सब प्रिंटर से होता है। ओके, इट इज़ फंक्शन स्लोअर देन ए नॉर्मल प्रिंटर बट इज़ मोस्टली यूज इन फ्लेक्स प्रिंटिंग फॉर बैनर्स। ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बैनर्स के लिए जो प्रिंटर यूज होता है उसको हम लोग प्लॉटर बोलेंगे। नेक्स्ट इज लाइट पेन। इट कम्स विद अ स्पेशल पैड, इट कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर एंड डिस्प्ले व्हाट एवर यू राइट ऑन द पैड ऑन द मोनिटर स्क्रीन। ये जो पैड आप लोग देख रहे हैं, इस पैड में अगर हम लोग जो भी कुछ लिखेंगे तो वो क्या होगा, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसमें जाके शो होगा। ओके, जो भी कुछ हम लोग लिखेंगे वो वहाँ पे जाके शो होगा। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑल द प्रोग्राम इन साइड ए कंप्यूटर दैट मेक्स इट्स हार्डवेयर रन। यू कैन नॉट टच और सी दिस प्रोग्राम, यू हैव वर्क ऑन एम एस पेंट व्हिच इज़ ए सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स जो हम लोग काम कर रहे हैं कोई भी कंप्यूटर में, कोई भी कुछ काम कर रहे हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही काम कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हो गया हम लोग कंप्यूटर को ओपन कर रहे हैं, वो किससे ओपन हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अगर हम लोग पेंट ओपन करके कुछ ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो पेंट भी एक सॉफ्टवेयर है। हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं पेंट में, वो क्या होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, सो सम ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर विंडोज लोगो, एम एस वर्ड एंड द गेम्स यू प्ले ऑन द कंप्यूटर ऑल आर द सॉफ्टवेयर्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट इज इनसाइड द सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके अंदर क्या है, आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, जो यहाँ पे पिक्चर जो है वो है एक प्रोसेसर का, जो के कंप्यूटर में जितना भी सारा वर्क होता है वो ये प्रोसेसर ही प्रोसेस करता है। ओके, नाउ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चिप है, प्लेस इनसाइड द सीपीयू बॉक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग इज डन इन द सीपीयू बॉक्स। दैट मीन जितना भी सारा हम लोग कोई भी काम कर ले कंप्यूटर के अंदर, जो भी कुछ प्रोसेस होगा वो ये चिप ही करता है। ओके, द सीपीयू इज डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट्स, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। हेयर यू कैन सी द डायग्राम। हेयर इनपुट डिवाइसेस, हम लोग इनपुट करेंगे। ओके, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, देन वो रिजल्ट आएगा। अभी वन बाय वन डिस्कस करना है कि व्हाट इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन। जितना भी सारा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जितना भी कुछ भी हो, तो वो कौन करता है, ए एल यू करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि कंट्रोल यूनिट मिडिल पोजिशन में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम लोग इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। टेम्पोरली स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं वो क्या करता है, टेम्पोरली उसको स्टोर करके उसके बाद ही प्रोसेस करता है। ओके,
Whenever you give any instruction using the input devices, it reaches to the central processing unit. दैट मीन्स जो सी पी यू है उसके अंदर जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो तो वहाँ पे जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट का काम है उसके बाद। द कंट्रोल यूनिट इन साइड द सी पी यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अदर यूनिट। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम लोग इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पे जा रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जा रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या कर रहा है कि उसको जो कंट्रोल कर रहा है, ओके अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास भेज देगा। अगर कोई स्टोर करने का चीज़ हुआ तो वो क्या करेगा, मेमोरी यूनिट के पास भेज देगा। ओके ऑल दी कंट्रोल यूनिट सेंस द डेटा फॉर कैलकुलेशन सच एज मल्टीप्लीकेशन और डिविजन एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड एंड स्टोर टेम्पोरली इन मेमोरी यूनिट। ओके दैट मीन्स जो भी कुछ भी कैलकुलेशन होगा वो क्या करेगा कि ALU के पास भेज देगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास भेज देगा, और जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, MU के पास भेज देगा। ओके एवरी टाइम एनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इज प्रोसेस्ड बाई द कंट्रोल यूनिट इज फेचेज द डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट डिकोड्स इट अगेन डायरेक्ट टू द सुइटेबल यूनिट्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। द फाइनल रिजल्ट इज ऑलवेज डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइसेज। ओके सो दिस इज द टूडेज टॉपिक। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक, बट ऑल ऑफ यू नीड टू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली फॉर बेटर अंडरस्टैंड। ओके एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल द इनसाइड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर from this chapter. Okay, so all of you need to read this question answer and also learn this question answer. Okay, so today I am ending my discussion here. In my next video I will discuss another chapter. Okay, so thank you, take care, goodbye.